अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त न्यू जर्सी में हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सामान वगैरह हमने रेडी कर लिया है, होटल से निकलने लगे हैं। प्लान ये है कि आज हमने जाना है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में हम न्यूयॉर्क से आगे हम निकलेंगे क्रूज़ के लिए। तो हमारा ये 4 से 5 दिन का क्रूज़ है जो हमें बरमूडा, कैनेडा, डिफरेंट आइलैंड्स पर लेके जाएगा। डॉक्टर साहब, नाश्ता किधर कराएंगे आप? नाश्ता जहाँ आप पसंद करेंगे, शालीमार पे भी कर सकते हैं, देसी नाश्ता कराएंगे, मैकडॉनल्ड्स पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़े हैं। रास्ता तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक के मामलात को देखते हुए हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में हमेशा ही बहुत ज़्यादा रश होती है। अब हम पहुंच चुके हैं लिंकन टनल पे। इस टनल की खास बात यह है कि ये समंदर के नीचे से जा रही है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये मैप से आप देख सकते हैं कि ये ज़ेरे समंदर बनी हुई एक टनल है। इस तरह की और भी टनल्स हैं, एक दूसरी टनल है जिसको कहते हैं हॉलैंड टनल, और ये टनल्स न्यू जर्सी को न्यू यॉर्क से मिलाते हैं। तो अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो ये न्यू जर्सी सिटी को न्यू यॉर्क सिटी, मैनहट्टन को मिलाती है आपस में। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सोचकर आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि इस वक्त आप समंदर के नीचे से ट्रैवल कर रहे हैं, और वो भी कार पे। न्यूयॉर्क सिटी को देखने के बाद आपके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होगा कि इंसान को क्यों अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है। यहाँ के ब्रिजेस, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ की रोड्स और यहाँ के दीगर मामलात आप देखकर यकीनन हैरान रह जाते हैं कि कैसे ये सब मामलात मैनेज हो रहे हैं। हम आ गए अंदर और अभी टर्मिनल के अंदर हैं। अभी हमारी इधर होगी इमिग्रेशन, क्योंकि हमने बॉर्डर क्रॉस करना है। लेकिन अब ये है कि हम बरमूडा नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा कनाडा, क्योंकि उधर कुछ हरिकेन आया हुआ है। तो आई होप कि सी रफ ना हो और कनाडा का तक का सफ़र अच्छा हो। कनाडा में कोई आइलैंड है और देखते हैं जैसे जैसे जाएंगे। हमें कोई आइडिया नहीं है, कुछ देखा नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक नया एक्सपीरियंस है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये एक्सपीरियंस आपको बेहतर से बेहतर बता सकूँ। हमारा चेक इन हो गया और बहुत स्मूथ प्रोसेस था। थैंक यू, लव योर ड्रेस। हैव अ गुड वन। हैव अ गुड, दैट्स गुड। मेक श्योर टेक केयर मम्मी एंड डैडी इन द फ्यूचर, ओके? फिनिश स्कूल, गेट अ जॉब, मेक अ लॉट ऑफ मनी, ब्रिंग मम्मी टू द फ्यूचर, टेक केयर डैडी टू, ओके? टेक केयर ग्रैंडमा। Yeah.
मिस हो गया था। रूम में जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। अच्छे रूम्स लग रहे हैं बाहर से, तो बड़ा अच्छा कॉरिडोर बड़ा अच्छा है और वहाँ पर हर कुछ एक सरप्राइज है रॉयमा के लिए। तो लेट्स सी, चेक करो बेटा। रूम फिट है, मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। तो ये रूम स्टार्ट होता है इधर से, ये टॉयलेट जो कि छोटा है लेकिन सही है, साफ सुथरा। उसके बाद ये है आपका गुस्ल खाना शॉवर के लिए, फिर ये कपल ऑफ क्लोजेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई हैं बच्चों के लिए, हमारे लिए। ये अभी चेक करने हमने क्या, कुछ ड्रॉर्स हैं, पानी, ये है एक बेड और इस पे हमने ये स्पेशल हमारी बेटी की बर्थडे थी तो उसके लिए डेकोरेशन कराई हुई थी। फिर ये एक सोफ़ा है और ये आपका छोटा सा टीवी हो गया, टीवी, और फिर ये मिरर है, फिर उसके साथ कुछ मज़ीद क्लोजेट्स हैं और फिर द बेस्ट पार्ट इज़ दिस पार्ट, हमारे रूम के साथ है छोटी सी बालकनी। हम 10th फ्लोर पे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम चल रहे हैं। ये था हमारा रूम टूर, अभी हमारा तकरीबन एक घंटा है, हम घंटे में सामान वगैरह हमने रूम में रख दिया, नीचे जाते हैं कुछ खाना पीना, कुछ और एक्टिविटीज़ हैं। और मज़े की बात ये है हमारा फूड जो है वो हलाल होगा, तो हम हलाल खाने का भी टेंशन नहीं है। वो भी मैं सर आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे करते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो लेट्स सी, ये एक मैसेज फातिमा के लिए, चलें जी। सामान वगैरह रूम में रखने के बाद मैं ज़रा डेक पे आया हूँ और डेक से न्यूयॉर्क की स्काईलाइन बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके अलावा अभी शिप के चलने में कुछ टाइम बाकी है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ शिप के चलने से पहले लाइंड अप हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है। मैं आपको डेक दिखा देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ हैं, पूल्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उसके अलावा एक स्लाइड है, वाटर स्लाइड है जो कि शिप के ऑल अराउंड घूमती है, और उसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, गोल्फ है, मिनी गोल्फ है। इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ इधर ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।